नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवयुग ज्योतिष चैनल में लगभग 320 वीडियो हैं, 9000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 25 लाख से अधिक व्यूज़ हो चुके हैं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 बुक्स अंडर प्रिंटिंग हैं। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूँ। अब मुंबई में इंस्टीट्यूट ओपन किया है। जो लोग मुंबई या दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं या कॉरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए बैंक अकाउंट्स में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स डिपॉजिट करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत कर रहा हूँ। वर्ष 2017 में कर्क राशि वालों के लिए कैसा फल प्राप्त होगा, इसके बारे में आपको आज मैं विस्तार से बताता हूँ। वर्ष 2017 के आरंभ में राहु सिंह राशि में सेकेंड हाउस में, गुरु कन्या राशि में थर्ड हाउस में, शनि फिफ्थ हाउस में वृश्चिक राशि में, सूर्य और बुध छठे भाव में धनु राशि में, चंद्रमा सेवंथ हाउस में मकर राशि में, शुक्र केतु और मंगल कुंभ राशि में एट्थ हाउस में स्थित है। गुरु चंद्र राशि से दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और ग्यारहवें भाव में गोचर करते समय शुभ फल देता है, अन्य भावों में अशुभ फल देता है। गुरु वर्ष के आरंभ से 12 सितंबर 2017 तक कन्या राशि में थर्ड हाउस में ही ट्रांजिट करेगा तथा 12 सितंबर 2017 से वर्ष के अंत तक फोर्थ हाउस में तुला राशि में ट्रांजिट करेगा। गुरु ट्रांजिट करते समय थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों में ही शुभ फल नहीं देता है। गुरु का गोचर पारिवारिक कलेश बढ़ा देगा, शत्रुओं में वृद्धि हो जाएगी, घर से दूर जाना पड़ जाएगा, यात्राओं में हानि होगी, भाई बहनों से भी संबंध खराब हो सकते हैं। वर्ष के आरंभ में राहु सेकंड हाउस में तथा केतु एट्थ हाउस में स्थित है। 9 सितंबर 2017 को राहु कर्क राशि में तथा केतु मकर राशि में सेवंथ हाउस में प्रवेश करेगा। राहु केतु ट्रांजिट करते समय चंद्र राशि से उपचय भावों में शुभ फल देते हैं, यानी कि तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें भावों में शुभ फल देते हैं। राहु चंद्र राशि से पहले भाव में और सेकंड हाउस में तथा केतु एट्थ हाउस और सेवंथ हाउस में शुभ फल नहीं देते। राहु धन हानि करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, वाणी में कटुता आएगी, कुटुंब परिवार के सदस्यों से अनबन रहेगी। केतु गोचर में मानसिक और शारीरिक पीड़ा देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करेगा। लेकिन एट्थ हाउस में केतु का गोचर जातक को ऑकल्ट साइंस पराविद्या की तरफ ले जाता है। जातक का इंटरेस्ट पराविद्या यानी कि ऑकल्ट साइंस में शुरू हो जाता है। शनि वर्ष के आरंभ में फिफ्थ हाउस में वृश्चिक राशि में 26 जनवरी तक रहेगा। संतान को कष्ट होगा, बुद्धिमत्ता में कमी आएगी, धन हानि भी होगी। लेकिन शनि के धनु राशि में प्रवेश से 26 जनवरी 2017 को धनु राशि में प्रवेश से जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि ट्रांजिट करते समय चंद्र राशि से तीसरे, छठे और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शरीर निरोगी रहेगा, व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी, मकान बनाने के लिए बहुत शुभ समय है,
धन लाभ भी होगा, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। वर्ष के आरंभ में सूर्य सिक्स हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। सूर्य के सिक्स हाउस में ट्रांजिट से शरीर निरोगी रहता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिलेगा, कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी, सभी कार्यों में लाभ होगा। 14 फरवरी 2017 से सूर्य सेवंथ हाउस में ट्रांजिट करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में कलह कलेश रहेगी। सूर्य अलगाववादी ग्रह है। सूर्य चंद्र राशि से ट्रांजिट करते समय उपचय भावों में यानी कि तीसरे छठे दसवें और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देता है। सूर्य जब मेष राशि और वृष राशि में ट्रांजिट करेगा तो जातक के व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी, सरकार से भी लाभ प्राप्त होगा, उच्च पद प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्ति होगी, अच्छे मित्रों का भी साथ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं राशि स्वामी चंद्र की। चंद्रमा सबसे अधिक तेज गति से चलने वाला ग्रह, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्रमा प्रत्येक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है। चंद्रमा ट्रांजिट करते समय चंद्र राशि से पहले तीसरे छठे सातवें दसवें और ग्यारहवें भाव में शुभ फल देता है, चौथे आठवें और बारहवें में अशुभ फल देता है। चंद्रमा ट्रांजिट करते समय चंद्र राशि से प्रत्येक भाव में कैसा फल देगा विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले प्रथम भाव में जातक को रोग मुक्त करता है, भाग्य में वृद्धि करता है, स्त्री सुख प्रदान होता है, धन लाभ भी होता है, मन प्रसन्न रहता है। सेकंड हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट जातक को धन हानि देता है, आंखों के रोग होते हैं, मानसिक कष्ट भी होता है। थर्ड हाउस में जातक के साहस पराक्रम में वृद्धि करता है, धन लाभ भी देता है, मन में प्रसन्नता होती है, शुभ समाचार भी प्राप्त होते हैं। फोर्थ हाउस में चंद्रमा के गोचर से अशुभ फल प्राप्त होते हैं, परिवार के सदस्यों में झगड़ा होता है, प्रत्येक कार्य में हानि होती है, मानसिक अशांति रहती है, जल से भय रहता है, पेट संबंधित रोग होते हैं, मकान जमीन जायदाद की सेल परचेज में लॉस होता है, घर के सुखों में कमी होती है। फिफ्थ हाउस चंद्र राशि से पांचवें भाव में चंद्रमा के गोचर से बुद्धिमत्ता में कमी आती है, मानसिक पीड़ा होती है, मन भटकता है, कार्यों में हानि होती है। छठे भाव चंद्रमा के सिक्स हाउस में गोचर से जातक को रोग से छुटकारा मिलता है, शत्रुओं का नाश होता है, यश प्राप्त होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन लाभ भी होता है। सेवंथ हाउस चंद्रमा के सेवंथ हाउस में गोचर से वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त होता है, हेल्थ अच्छी रहती है, धन की प्राप्ति होती है, वाहन सुख प्राप्त होता है, जातक को समाज में प्रसिद्धि प्राप्त होती है, यात्रा का विचार भी बनता है। एट्थ हाउस जन्मकालीन चंद्रमा से एट्थ हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट सबसे अधिक अशुभ फल देता है, रोग हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, पानी से संबंधित रोग हो सकते हैं, व्यर्थ के झगड़े हो जाते हैं, मान सम्मान में कमी आती है, फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। नाइन्थ हाउस चंद्रमा के नाइन्थ हाउस में गोचर से संतान से मतभेद हो जाते हैं, व्यवसाय में हानि होती है, सरकार को दंड भय रहता है, व्यर्थ की यात्राएं होती हैं। टेंथ हाउस चंद्रमा के टेंथ हाउस में ट्रांजिट से हेल्थ अच्छी रहती है, नौकरी या व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है, धन लाभ भी होता है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा के इलेवंथ हाउस में गोचर से धन लाभ होता है, मानसिक प्रसन्नता मिलती है, सुख प्राप्त होता है, भाइयों से मित्रों से भी लाभ होता है तथा सभी प्रकार के लाभ होते हैं। ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा के गोचर से खर्चे बढ़ जाते हैं, धन हानि होती है, मानसिक व शारीरिक पीड़ा रहती है, रिश्तेदारों से भी संबंध खराब हो जाते हैं, मान सम्मान में कमी आती है। नमस्कार।